सर्दी अभी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है। एक बार सूरज फिर से बादलों के पीछे छिप गया है और सर्दी ने कोहरा मचा दिया है। क्या आप जानते हैं इन्हीं बादलों का वजन कई टनों के हिसाब से होता है? जी हाँ, शायद आपने आज से पहले ये कभी नहीं सोचा होगा कि एक बादल का वजन कितना होता है, और अगर इनका वजन टनों के हिसाब से होता है तो आखिरकार ये बादल नीचे क्यों नहीं गिर जाते? जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 100 हाथियों जितने भारी बादल आखिरकार जमीन पर क्यों नहीं गिर जाते। बादल देखने में तो रुई के गोले जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच बहुत सारा पानी होता है। पानी की वजह से इनका वजन काफी ज्यादा होता है और ये वजन किलो के हिसाब से नहीं बल्कि टनों के हिसाब से होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक एक औसत क्यूमुलस क्लाउड का वजन 1.1 मिलियन पाउंड है। इसके बारे में आप कुछ देर सोचें, इसका मतलब है कि मॉनसून आने के बाद किसी भी पल आपके सिर के ऊपर लाखों पाउंड पानी तैर रहा होता है, या मौसम खराब होने के बाद आपके सर के ऊपर आसमान में तैर रहा बादल 100 हाथियों के वजन के बराबर होता है। तो 100 हाथियों के वजन के जितना बादल आखिरकार जमीन पर क्यों नहीं गिर जाता? क्या बादल पर गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता? बादलों पर गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, लेकिन बावजूद इसके ये बादल जमीन पर नहीं गिरते। इसके पीछे कुछ और ही वजह है, देखिए। इसके पीछे बड़ी वजह है गर्म हवा। दरअसल बादल समुद्र, नदियों, तालाबों और धरती में उपस्थित जल के वाष्पीकरण के कारण बादलों के अंदर गर्म हवा भर जाती है। गर्म वायु हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जब बादलों का वाष्पीकरण पूरा हो जाता है तो गर्म वायु के कारण वो ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। ऊपर जाने पर इसका फैलाव होने की वजह से जब ये ठंडी हो जाती है तो बादलों का रूप ले लेती है। आयतन यानी की लंबाई चौड़ाई अधिक होने के कारण बादलों का घनत्व यानी कि ठोस होना कम होता है और वो तैरते रहते हैं। बारिश होने पर सिर्फ पानी की बूंदें नीचे की तरफ जाती हैं। बादल पहले थोड़ा सा नीचे आते हैं और फिर जब उसमें गर्म हवा रह जाती है तो वो फिर से ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। तो वजह साफ है, सिर्फ बादल अपनी लंबाई चौड़ाई और कम घनत्व होने के कारण जमीन पर नहीं गिरते। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारे वायुमंडल में मौजूद गर्म हवाएं, जिस वजह से हमेशा बादल आसमान में तैरते हैं और हम बचपन से कहते नजर आए हैं नीला आसमान और सफेद बादल। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।